मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन हूँ। कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, 11th क्लास का फॉर्मूला लगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ऐसा लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन 2π/3 ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ। मैम बोर्ड पर देखो बराबर, 33 फिट से बोर्ड पर देखो, ये लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन 2π/3 ऐसा लिखा हुआ। उसके बाद इसे ना इस पूरे पोर्शन को अंदर वाले पोर्शन को तोड़ो, कुछ ऐसा ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने का मतलब तोड़ोगे, कुछ ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन, इसे क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस के, पाई माइनस के, पाई 3। अभी बता दें मैंने आपको जस्ट अभी कि साइन 180 माइनस के थीटा कैसे उतरो, तो साइन 180 माइनस के पाई प्लस की पाई बटे तीन, तीन पाई और एक पाई, देखो तीन पाई की एक पाई में मल्टीप्लाई करोगे, तीन पाई मतलब एक पाई घटाएंगे तो 2π/3 जाएगा। तो ऐसा लिखना कि घटा को भी बैठा चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ, साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन। तो ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, फॉर्मूला साइन थीटा नहीं होता, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा आपके याद ही नहीं होंगे फॉर्मूले, पाई बाई थ्री ब्रैकेट वन, साइन का साइन कट जाएगा, ये जाएगा पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। इसी तरह 17वां क्वेश्चन होगा, नोट करो सर, 17वां क्वेश्चन होगा, इसी तरह नोट करो। जल्दी नोट करो, तेज तेज फास्ट। सोलवा सत्रवा और 19वां क्वेश्चन जस्ट बिल्कुल ऐसे ही है, 16वां 17वां और 19वां। अब मैं आपको 18वां क्वेश्चन कराऊंगा, और 18वां क्वेश्चन जैसे मैं कराऊंगा ना 18वां क्वेश्चन, ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे विविध के, आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस तरह ही हो जाएंगे, समझ गए। अभी मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले में बताया, इसमें एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा इसकी। हेलो मैम इधर देखो, हटाऊं इसको, ये डस्ट देना मैम, हेलो डस्ट देना, उठा चलो रहने दो। क्वेश्चन नंबर 18 जरा ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ना, हेलो इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे सारे 18 क्वेश्चन है, पूरी विविध के आधे ज्यादा क्वेश्चन इसी स्टाइल से हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ ऐसे लिखा हुआ टेन, ध्यान तो समझना सब बच्चे अच्छे तरीके था, टेन ब्रैकेट और लिखा हुआ साइन इनवर्स 3/5 प्लस ऐसा लिखा हुआ कोट इनवर्स 3/2 ये लिखा हुआ। कम मान के आप कीजिए, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आगा, और ये आया तो 4 नंबर का आगा। आइए देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं, तो देखो यहां लिखा हुआ साइन इनवर्स 3/5, यहां लिखा हुआ कोट इनवर्स 3/2, तो आपको ना साइन इनवर्स को टेन में बदल देंगे। इसके कई तरीके हैं, यानी एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप टिक योर सीट, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, हो गया कोई सुन, चलिए साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ, कोट इनवर्स 3/2 लिखा हुआ, तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/5। आप इसके कई तरीके क्वेश्चन को करने के, कुछ इस तरह कर सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ प्लस कोट इनवर्स 3/5 लिखा हुआ 3/2 लिखा हुआ, तो साइन इनवर्स 3/5 जो साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ, अब साइन इनवर्स को ना टेन में बदल सकते हैं, बदलने का तरीका बताऊंगा, और बहुत ही आसान तरीके, तो वो भी 10th क्लास वाले तरीके से, सरल से सरल बच्चा भी बदल लेगा। कोट इनवर्स 3/2 लिखा हुआ, इसे भी आप 10 में बदल दोगे, और जब 10 में बदल दोगे ना अंदर, ये भी 10 में बदल जाएगा, ये भी 10 में बदल जाएगा, बदलना भी सिखाऊंगा। अरे जब जब दोनों 10 बदल जाएंगे ना, तो 10 का अंदर सूत्र लगाकर, तो 10 का 10 कट जाएगा, और कट का आसान हो जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो हमारी रणनीति होगी इस साइन इनवर्स को 10 में बदलना, और कोट इनवर्स को 10 में बदलना, और कोट को तो 10 में वैसे बदला जा सके, 2 को ऊपर करो 3 को नीचे करो, तो सीधा 10 हो जाएगा, एक तरीका तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होना, ऐसा तरीका अपनाना जो आपको हर जगह काम आओ। आइए देखते हैं क्या करते हैं, आज आपको मैं सिखाता हूँ किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। हेलो कोई सुनो,
गुरुत्वाकर्षण की मात्रा ज्यादा लग रही, दिख रहा? चलो तो साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ नहीं, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 लिखा हुआ, तो साइन इनवर्स 3/5 को और कोट इनवर्स 3/2 को टेन में कैसे बदलते हैं? आइए देखते हैं, साइन इनवर्स ये लिखा हुआ देखो, साइन इनवर्स 3/5 पहले से लिख देते हैं, 3/5 कहीं बदलना था टेन में। अब आपको याद होगा लंब आधार कर्ण लाल बटे काका फॉर्मूला याद होगा आपको, उधर साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, ये लंब और ये क्या नीचे कर्ण है ना, पी अपोन बी जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर अपोन बेस, पी अपोन एच सॉरी, ये परपेंडिकुलर है ये क्या हाइपोटेनस है नहीं, हिंदी वाले से कर्ण क्या हुआ इसे लंब क्या हुआ, ठीक है। तो उसके बाद तुरंत आप एक त्रिभुज बना दो, एक त्रिभुज बना दो, तो जैसे आपने त्रिभुज बनाया ना बढ़ेगा कौन हो जाए, इसका नाम ए और इसका नाम बी हो जाए, इसका नाम क्या हो जाए सी, जैसे इसका नाम ए इसका नाम बी और सी हो जाए, तो ये नीचे वाली जो भुजाएं कर्ण नहीं होती, क्योंकि कर्ण कितना होगा 5 और ये लंब ये कितना 3 नहीं है, तो ये लंब होगी 3, ये 5 या 3 है तो कितनी है 4, मैंने ट्रिपल एट बता रखा आपको पहले कक्षा 10 में पढ़ा था, वो ये तो यही तो पढ़ाया था। अब देखो ये कोट लिखा इसे बदल सकते हैं इस तरह यहाँ लिखा हुआ, अब बताओ इसका साइन का क्या बनाना, टेन ही बनाना। अब आपको टेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और टेन का फॉर्मूला पता होने के लिए आपको देखो पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, याद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल है नी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये तो पढ़ाया था, चलो बहुत अच्छी बात है। पहला फॉर्मूला साइन का हो, दूसरा फॉर्मूला किसका हो कोस का, तीसरा फॉर्मूला किसका हो टेन का, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ साइन की जगह क्या क्या लिखना, टेन लिखना, तो आप यहाँ प्यार के साथ पहले टेन टेन लिखा आपने, जैसे आपने टेन लिखा तो टेन का फॉर्मूला देखो क्या हो, पी अपोन बी नहीं होता, तो टेन का फॉर्मूला पी अपोन बी, पी का फॉर्मूला कितना पी का 3 नहीं है इसका कितना 4, बहुत अच्छी बात है। अरे इसे तो डायरेक्ट बदल सकते हैं, इसे कोट करना सीधा उल्टा कर दो, ऐसा कर दोगे ये लिखा हुआ कोट इनवर्स 3/2 इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2/3 लिख नहीं सकते, डायरेक्ट लिख दो आप इस त्रिभुज की सहायता से बदल सकते हैं, तो कोई सा भी बदलना हो ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बंधन, साइन को टेन बदलना हो, टेन को कोस बदलना हो, कोस को कोट बदलना हो, किसी को भी किसी में बदलना हो, तो इस रणनीति यही रणनीति बनानी होगी आपको, समझ गए। उसके बाद चलते हैं देखो अब नौ नौ मतलब अब उन्हें बदल गया, ये लिख ये ना जब आप पेपर में सवाल करोगे तो इस चीज को वहीं लिख के दिखाना होगा, ताकि वो समझ जाए, जब एग्जाम में कॉपी चेक करेगा समझ जाओ इस बच्चे से सारी रणनीति आती है ना, सब आता है बराबर लगा, टेन लिखा हुआ टेन लिख दिया ब्रैकेट साइन साइन इनवर्स 3/5, अब यहाँ साइन इनवर्स 3/5 लिखने के यहाँ टेन इनवर्स 3/4 लिखोगे, क्योंकि इसे बदल गया आया टेन इनवर्स 3/4 प्लस ये कोट नहीं है, कोट को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2/3। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला हो, अंदर फॉर्मूला लगेगा और यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टेन टेन लिख दिया हमने ऐसे जैसे लिखा हुआ था, ये लिख दिया टेन इनवर्स, दोनों टेन इनवर्स के नाम का एक टेन इनवर्स लिख देंगे ब्रैकेट एक्स प्लस के भाई यानी 3/4 प्लस 2/3 ये फॉर्मूला लग रहा है ना, अपोन 1 माइनस के एक्स वाई यानी 3/4 गुना 2/3 ब्रैकेट 1 क्लोज, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा है ना, 2 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, शाबाश वेरी गुड, 2 कम 2 2 2 4 टेन ये क्या लिखा हुआ टेन इनवर्स, बताओ ऊपर क्या लिखा हुआ 3 3 9 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 3 2 3 9 9 और 8 17 यानी 17 जाएगा ऊपर ऊपर जोड़ कर नीचे कितना जाएगा 12 बटे 2 1 2 2 1/2 क्यों जी क्या कहते हो 2 से 12 कट जाएगा 6 आ जाएगा 10 से 10 कट जाएगा ये आ जाएगा 17/6 जो इसका यही आंसर था उत्तर वाला आंसर सीट कर लोगे ना, शाबाश वेरी गुड, नोट करो। जल्दी नोट करो फटाफट, अभी मैं आपको कुछ सवाल दूंगा आपको बदलना होगा साइन इनवर्स को टेन में या टेन को साइन में बदलना पड़ सकता है, ये
और इसे ना ऐसे ही मत समझियो, साइन इनवर्स 3/5 को ना टैन इनवर्स 3/4 कैसे आया इसको ना पूरा समझियो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। चले एक बुक रखी हो देना उठा एक बुक है। यूपी वाली दे, यूपी वाली चल रही है। नहीं है, नहीं है। चलिए 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 हटाओ इसको। अगला सवाल, अब हम विविध पढ़ेंगे। इसके जो नीचे के सवाल है ना 2.2 के पूरे खत्म हो गए। अब मैं बता दूंगा विविध का कौन कौन सा सवाल करना होता है आपको, जो नहीं आने का मेरे से पूछ लेना। देखो विविध का निशान लगाओ कौन कौन सा सवाल आप खुद कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9 खुद कर सकते हो आप। एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद जो आपको दिखाई देगा बहुत इजी क्वेश्चन दिखाई देगा। एग्जाम्पल नंबर और कोई एग्जाम्पल नहीं है विविध का, यानी जो विविध मिस विजल एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं विविध, विविध का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सारे कराऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13 पर आ जाओ सब बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 13 मैंने बताया मैं क्वेश्चन उठाऊंगा पहले जो बहुत आसान होगा। मैं क्वेश्चन उठाऊंगा जो बहुत आसान होंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 ये पेपर में आया हुआ, ये एक नंबर में नहीं 6 नंबर में आया हुआ। कितने में? 6 नंबर में। आइए देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कैसे करते हैं। टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर π/4 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं इसके लिए आगे लिखा हुआ सरल करो, क्वेश्चन में लिखा हुआ सरल करो, सिंपलीफाई सरल करो, यह क्वेश्चन। हेलो अरे ओके देखो टेन इनवर्स एक्स, देखो इस चीज को दिमाग में एक्स नहीं बन सकते, इसे वाई नहीं बन सकते। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन का फॉर्मूला लगाएंगे बराबर π/4 रखकर चलेंगे और सोल्व करके एक्स का मान निकाल लेंगे, वही सरल करना हो। सरल करना जब भी इस एक्सरसाइज में कहते हैं ना सरल करो, सरल करने का मतलब ये एक्स का मान निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, समझ गए? आओ नहीं है क्या लेते हैं π/4 ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। फॉर्मूला एक का क्वेश्चन की बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होने का कि एक क्वेश्चन कई बार कई बार एनालाइज करना पड़ेगा। चलो टेन इनवर्स ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स आएगा क्या फॉर्मूला हो, ये आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला हो। टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई है ना, खतरी सवाल है। आइए टेन इनवर्स जिससे पूछा था सिर्फ वो बोल रहा वो कोई नहीं बोलने का, एक्स की वैल्यू कितनी 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 3x
ये क्या लिखा हुआ वन माइनस, ये क्या लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखना है एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ 2x इंटू वाई की वैल्यू बताओ 3x। अरे यार तुम्हारे पास मिठासी नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। टेन इन नोट्स को हटाएंगे इधर लेके ले जाएंगे तो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x। वन माइनस के गुणा करने में आपके चर्चे रहे हुए पहले से 6x स्क्वायर, यही तो नहीं पता आपको, x के x से गुणा करेंगे ना x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर 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 से जाएगा इधर चला जाएगा, ये जाएगा टेन पाई बाई फोर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? टेन पाई बाई फोर नहीं ले सकते सर, टेन पाई बाई फोर पाई का मतलब 180 हो, 180 को आप चार तक काटेंगे दिल दिल में, जैसे दिल दिल में चार तक काटेंगे तो 45 आएगा और 10 × 45 का मान 10th क्लास में एक हो, है ना। शाबाश वेरी गुड, आप तो बहुत यार बच्चे हो गए। वन माइनस के 6x स्क्वायर। मैंने बजा आपको दो बार दिन में दो बार पढ़ाऊंगा, एक सुबह को एक शाम को, फिजिक्स का भी इंट्रोडक्शन देंगे, इसका दर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके उधर कर देंगे तो 5x बराबर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 − 6x2। कोई इशू, माइनस का अदर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6x2 प्लस के 5x माइनस के 1 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम? 6 × 6 ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाकर 5 आता हो तो 6 − 1 6x2 प्लस के 6 − 1 6x लिखा हुआ माइनस के 1 बराबर 0 घटाकर 5 आना चाहिए मैम। इधर देखिए 6x2 प्लस 6x माइनस के एक्स माइनस के 1 बराबर 0 लिख नहीं सकते आप इसको से इस तरह, इसके लिए लाइन खींचिए ऐसा देखिए, ऐसा देखिए जो दोनों में कॉमन हो 6x एक्स प्लस के आपने 6 कॉमन लिया 1x कॉमन लिया तो बच जाएगा 1x तो प्लस के 1 माइनस के 1 एक्स प्लस के 1 बराबर 0। कोई इशू? उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा तो यहां लिखो, देखो 6x प्लस के 1 जो जी सेम एक्स प्लस के 1 एक्स प्लस के 1 सेम एक्स प्लस के 1 को एक बार लिख देंगे और ये 6x माइनस के 1 6x माइनस के 1 बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे, एक्स प्लस के 1 बराबर 0 और 6x और माइनस के 1 तो बराबर 0 प्लस का एक इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स बराबर माइनस के 1 और एक्स 6x बराबर 1 और एक्स बराबर हो जाएगा 1/6 है ना। इसके अंतर एक्स के 2 माना जाएंगे लेकिन उत्तर वाला सिर्फ एक ही मान है इसका, उत्तर वाला सिर्फ इसका एक ही मान है ठीक है। अब देखना माइनस के 1 और 1/6 मैं आपको बताता हूँ इसका अंतर 1/6 कौन सा। अब सवाल है इसका अंतर माइनस के 1 क्यों नहीं है, बताओ x का मान माइनस 1 आया लेकिन इसका अंतर सिर्फ x का मान 1/6 दे रखा अंतर सीट में। अगर हम इसका उत्तर देखते हैं तो इसका अंतर देखते हैं x का मान 1/6 तो आज इसका अंतर एक x का मान 1/6 तो इसका अंतर माइनस के 1 क्यों नहीं है, है नहीं क्योंकि अगर आप ना देखो यार समीकरण बनी थी एक, यह समीकरण दिखाई दे रही आपको यह समीकरण ये वाली समीकरण है ना। अगर इस समीकरण में ना हम माइनस के 1 पुट करो और पुट कर ना सारी हल करके देख कर तो कभी 0 नहीं का अंतर। अगर इस समीकरण में x का मान 1/6 भर ना तो इस समीकरण संतुष्ट हो जाएगी 1/6 x का वो मान जो समीकरण को संतुष्ट कर सकता है, इसीलिए 1/6 सही है बिल्कुल। समझ में आया? चलिए नोट करो सर, 6 नंबर का सवाल था। इसके बाद मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा एक सवाल का, आप हैरत में पड़ जाओगे, घर जाकर देखना गाइड में किस तरह का तरीका दिखा देगा आपको, समझिए। बुक होगी ना, बुक डाउनलोड करके नेट तक गूगल प्ले स्टोर तक आप देखोगे ना, गूगल प्ले स्टोर तो उसका हल देखोगे, अभी मैं यहाँ हल करवाऊंगा तो आप देखोगे यार ये तो बड़े खतरनाक तरीका, तभी दिखाता हूँ देखो सवाल का। और 6 नंबर मारता अब ऐसे उठा देगी चुटकी होगा, खाना खाए आपको, हेलो खाना खाओगे? Why are you tearing?
आश तू मेरे जल्दी नोट करो फटाफट तेज तेज ओके चलो देखो विविध का ना क्वेश्चन सारा कराऊंगा यहाँ लगना क्वेश्चन सारा कराऊंगा लेकिन पहले मैं क्वेश्चन ले रहा क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है अगर मैं क्वेश्चन उठाऊँ एग्जाम क्वेश्चन नंबर विविध का क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप विविध का क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है देखो 6 नंबर का आगा 10 इनवर्स देखना मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर 10 इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 लाना प्रूफ करके लाना 1/2 कोस इनवर्स किताब में बहुत लोगों को दिखाई देगा कोस इनवर्स 1 - x / 1 + x ब्रैकेट 1 ये लाना प्रूफ करगा समझ गए ये इस चीज को प्रूफ करके ले करना आप कभी नहीं सोच सकते आपने सारे सवाल पढ़ लिए है ना सारे फॉर्मूले आपको पता एनसीईआरटी में इतने फॉर्मूले इतने सवाल थे और सारे इनके एप्लीकेशन है एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग जो 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 सवाल इसी तरीके से होते हैं लेकिन आप इसे कर नहीं सकते अगर करोगे तो लोग मेथड दिखाई देगा तो मैं आपको कलाकारी बताता हूँ क्योंकि मैंने कहा था आपको कि जितने फॉर्मूले ना सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आइए देखिए एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने देखो 2 tan inverse x बराबर एक फॉर्मूला cos inverse 1 - x² / 1 + x² ये क्या आपको ये फॉर्मूला याद है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना तो सवाल नहीं है सवाल के नाम पर कलम करो समझ में आया बात अगर ये फॉर्मूला आपको याद है ना तो सवाल नहीं है सवाल के नाम पर कलंक धब्बा इतना आसान कोई नहीं कर सकता बस आप ही कर सको पूछो क्यों अच्छा धन्यवाद पुट कर देंगे पुट क्या कर देंगे जहां जहां जब यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स आओ यहाँ भी एक्स आओ अगर यहाँ हमने 5x लिख दिया तो यहाँ भी 5x आगा यहाँ भी 5x आगा अगर हमने यहाँ √x रख दिया तो यहाँ भी √x आगा यहाँ भी √x आगा तो लिखेंगे एक्स के स्थान पर √x पुट करने पर ऐसे लिखेगा बोर्ड में लिख दोगे पहली बात ये सवाल बोर्ड में लिखने का 2 tan inverse x की वैल्यू बताओ कितनी √x नहीं है x के स्थान पर √x लिखना ये लिखा हुआ cos inverse 1 - x क्या लिखना √x लिखना जब आप यहां √x लिखोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो दो तो रूट निकल जाएगा अपॉन 1 + √x नहीं लिखा हुआ √x का स्क्वायर नहीं कर देंगे ये ब्रैकेट नहीं है बंद नहीं कर देंगे सर और ये दो ये देखो दो ये दो गुणा में नहीं है जो चीज गुणा में इंग जाकर भाग बन जाती है भाग का मतलब बटे जहां कुछ होता है एक हो इसे कुछ इस तरह लिख देंगे 10 inverse √x बराबर 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट 1 - k इसका रूट कट जाएगा तो 1 - x अपॉन 1 + x इस तरह का दिखाई देगा दिखाई नहीं देगा अब बताओ जो प्रूफ पर लाना था वही नहीं आएगा LHS बराबर RHS अतः HP हैंस प्रूफ सिद्ध हुआ कोई प्रॉब्लम इस तरह आसान तरीका नहीं सवाल 6 नंबर का सवाल नोट करो जल्दी फटाफट तेज तेज स्पीड में नोट करो फैंटास्टिक